भगवान शिव के तीन राक्षस पुत्र जिनसे खुद देवता भी डरते थे। आखिर कैसे हुआ था इन तीन राक्षस पुत्रों का जन्म, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जब जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों के बारे में पूछा जाता है तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब हमेशा यही होगा कि उनके दो पुत्र थे, एक गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के इन दोनों के अलावा तीन राक्षस पुत्र भी थे? जी हाँ, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, इन सभी में भगवान शिव के इन तीनों ही राक्षस पुत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। तो आखिर कैसे भगवान शिव के इन तीन राक्षस पुत्रों की उत्पत्ति हुई और आगे चलकर इनका क्या हुआ, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद हैं भगवान शिव के शक्तिशाली राक्षस पुत्र अंधक। अंधक की कहानी बेहद ही रोचक है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते घूमते काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी दौरान माता पार्वती ने पीछे से भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। ऐसा करने से पूरे संसार में अंधकार छा गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे पूरे संसार में रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों को ही पसीना आ गया। जब पसीने की बूंदे धरती पर पड़ी तो उनसे एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक का मुख बड़ा ही भयानक था। उस बालक को देखकर माता पार्वती डर गई। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ये उनका ही पुत्र है जो उस पसीने के कारण उत्पन्न हुआ है, और अंधकार में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम अंधक रखा गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी समय दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना के लिए घोर तपस्या कर रहा था। उसने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा तो भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बड़ा और असुरों का राजा बन गया। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु तब ही हो जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। असल में अंधक को ये जानकारी ही नहीं थी कि वो भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र है। ऐसे में उसे लगा कि जब उसकी कोई माता ही नहीं है तो उसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। अंधक वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने लगा। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। ऐसे में उसे लगा कि अब उसे विवाह कर लेना चाहिए। उसने सोचा कि अब वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। जब अंधक ने पता लगाया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर पर्वत की राजकुमारी पार्वती है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर भगवान शिव से शादी की है। ऐसा सुनकर वो तुरंत ही माता पार्वती के पास गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जब माता पार्वती ने इनकार किया तो अंधक उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम तो पार्वती के पुत्र हो। ऐसा कहकर भगवान शिव और अंधक के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जहां स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के प्रहार से अंधक का वध कर दिया। इस तरह भगवान शिव के राक्षस पुत्र अंधक का वध हुआ। अब बात करते हैं दूसरे शक्तिशाली राक्षस पुत्र की। वो कोई और नहीं बल्कि जलंधर था। अंधक के अलावा विष्णु पुराण में भगवान शिव के दूसरे राक्षस पुत्र जलंधर का भी उल्लेख मिलता है। कहते हैं जलंधर भगवान शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार जलंधर भगवान शिव का असुर अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा था। यहाँ तक कि यमराज भी उससे डरते थे। दरअसल भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपनी शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया
वो वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को परास्त किया और उसके बाद त्रिलोकधारी बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु जी को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा, हम दोनों ही जल में उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और वो लक्ष्मी जी को बहन मानकर वैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने सीधा कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई। आपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई। तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के पतिव्रत के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर पर निष्फल हो रहा था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव जी ने अपने त्रिशूल के प्रहार से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख से वहीं पर तुलसी का पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिन्हें भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। और इस तरह स्वयं भगवान शिव के दूसरे शक्तिशाली राक्षस पुत्र जलंधर का वध हुआ। अब बात करते हैं भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली राक्षस पुत्र की। वो कोई और नहीं बल्कि सुकेश था। अन्य पुराणों के हिसाब से राक्षसों में हेती प्रहेती नाम के दो भाई उत्पन्न हुए, जिन्हें राक्षसों का स्वामी बनाया गया। प्रहेती धार्मिक स्वभाव का होने के कारण वन में चला गया, जबकि हेती ने काल की बहन से विवाह कर लिया। दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम विद्युत केशव रखा गया। जब विद्युत केशव जवान हुआ तो उसका विवाह संजय के पुत्री सालक से करवा दिया गया, जिसने थोड़े दिनों बाद गर्भ धारण किया और उस राक्षसी ने कैलाश पर जाकर एक बालक को जन्म दिया। साथ ही वो राक्षसी उस बालक को वहीं कैलाश पर छोड़कर पुनः अपने पति के पास वापस चली आई। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर जब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक बालक की रोने की आवाज सुनी तो वो दोनों उस बालक के पास पहुंचे। बालक को रोता हुआ देखकर उन्होंने बालक को उठा लिया और उसे अपने पुत्र के समान ही प्यार दिया। वो बालक कोई और नहीं बल्कि सुकेश था, जिसका नामकरण स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने किया। वही पुराणों के अनुसार सुकेश भगवान शिव और पार्वती का पुत्र नहीं था, परंतु दोनों ने उसे अपने पुत्र के समान ही प्रेम किया। वही बाद में सुकेश का विवाह गंधक की पुत्री देवती से हुआ और उनके तीन पुत्र हुए, जिन्हें हम माली, सुमाली और मल्यवन के नाम से जानते हैं। कहते हैं माली, सुमाली और माल्यवान नामक तीन दैत्य द्वारा त्रिकूट सुबेल यानी कि सुमेरु पर्वत पर लंका बसाई गई थी। वही माली सुमाली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंका पति बना दिया था, लेकिन माल्यवन बच गए थे। माल्यवन कौन थे? दरअसल माल्यवन रावण के नाना थे। तो यही थे भगवान शिव के तीन राक्षस पुत्र जो बेहद ही शक्तिशाली थे। जहां अंधक, जलंधर और सुकेश इन तीनों ही राक्षसों का सर्वशक्तिशाली होना तय था, क्योंकि तीनों ही कहीं ना कहीं भगवान शिव से जुड़े थे। तो आपके हिसाब से इन तीनों में से सबसे अधिक शक्तिशाली राक्षस पुत्र कौन था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।